भारत में तैयार हो चुका है दुनिया का सबसे घातक विस्फोटक। जो एक पल में बदल देगा युद्ध की दिशा और दशा। ताकत ऐसी कि किसी भी इलाके का भूगोल बदल दे। अब तक बने गैर परमाणु विस्फोटकों से दो गुना से भी ज्यादा घातक है ये। रक्षा के क्षेत्र में भारत आए दिन नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। अपनी सेना को और मॉडर्नाइज और आधुनिक बनाने के लिए नए नए साजो सामान को फौज को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत के खाते एक और उपलब्धि आई है और वो है दुनिया का सबसे घातक और विस्फोटक गैर परमाणु विस्फोटक बनाने। भारत का गैर परमाणु विस्फोटक किसी भी हथियार जैसे आर्टिलरी शेल्स या वॉरहेड की ताकत को दोगुना कर सकता है। ये TNT विस्फोटक से 2.01 गुना ज्यादा ताकतवर है। अच्छी बात ये है कि नौसेना ने इसका परीक्षण भी कर लिया है और इसके इस्तेमाल के लिए ओके भी कर दिया है। इट इज अ रेवोल्यूशनरी एक्सप्लोसिव SEBEX-2। ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये सोलर इंडस्ट्रीज है, इंडिजिनस नागपुर में है, इन्होंने बनाया है। इट इज एन एमिनेशन सर्टिफाइड बाय द नेवी एंड जैसे कहते हैं सिंस इट्स अ टोटल, मतलब एमिनेशन का वजन नहीं बढ़ेगा पर उसकी मार डालने की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। सो बेंचमार्क इज TNT। जब हम TNT बेंचमार्क लगाते थे उस TNT के एक्सप्लोसिव के बनिस्पत 2.01 ज्यादा है, मानी दुगनी ताकत। सो यू कैन सेफली से अमंग्स द वन ऑफ द मोस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में काफी ताकतवर एमिनेशन माना जाएगा। कोई विस्फोटक कितना ताकतवर है इसका आंकलन TNT वैल्यू से होता है। इसके मुताबिक जिसका TNT वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो विस्फोटक उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। TNT ऐसा मानक है जो बताता है कि विस्फोटक कितना घातक हो सकता है। जो विस्फोटक 1 ग्राम TNT से बना होता है उसकी ऊर्जा करीब 4000 जूल होती है। भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल विस्फोटक ब्रह्मोस मिसाइल में लगे हैं। इनका TNT वैल्यू 1.50 है। डेंटेक्स या फिर टॉपेक्स यानी पारंपरिक विस्फोटक का इस्तेमाल दुनिया के ज्यादातर देश करते हैं। इनका इस्तेमाल वॉरहेड हाई बमों में लगे गोला बारूद में किया जाता है। इनका TNT वैल्यू 1.25 से 1.30 होता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत का SEBEX-2 बाकी के विस्फोटकों से कितना ताकतवर है। SEBEX-2 विस्फोटक तोप की गोलों में बिना कोई एक्स्ट्रा वजन बढ़ाए भी समा सकता है। इसे बॉम्बर प्लेन में लगे बम, तोप खाने के गोले या फिर मिसाइलों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। SEBEX-2 में विस्फोटक होते हैं, फ्रेगमेंटेशन इफेक्ट होता है जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। इसे दुश्मन के बंकर, सुरंग और किलेबंद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी एमिनेशन की लिथालिटी 2.01 विजावी TNT ज्यादा, यानी कि दुगनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी पर वजन उतना ही। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, दैट इज व्हाई आई से इट इज ट्रूली रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब आपका वजन नहीं बढ़ा है एमिनेशन का, लेकिन आपके मार डालने की जो ताकत है वो बढ़ गई है और दुगनी हो गई है। नागपुर की EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत SEBEX-2 विस्फोटक विकसित किया है।
EL अब सेबेक्स 2 से भी ज्यादा ताकतवर विस्फोटक तैयार कर रहा है, जिसका TNT वैल्यू 2.3 होगा। EL का दावा है कि नया वेरिएंट 6 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। रक्षा जानकारों का मानना है कि सेबेक्स 2 की ताकत और खासियत ऐसी है कि इसे हर देश अपने तर्कश में शामिल करना चाहेगा, ताकि अपने वॉरहेड को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वैसे निर्यात के क्षेत्र में भी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों के पास खुद के गैर परमाणु विस्फोटक हैं, जिनका इस्तेमाल तोप के गोलों से लेकर फाइटर प्लेन में होने वाले बम में किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु वॉरहेड CL-20 है। ये एक ऐसा विस्फोटक है जिसकी ब्लास्ट की क्षमता TNT और RDX से भी ज्यादा है। वहीं अमेरिका के पास MOAB है, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहा जा सकता है, और इसकी टेस्टिंग साल 2003 में हुई थी। रूस के पास मौजूद विस्फोटक का नाम है FOAB, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्बर कहा जाता है। इसकी टेस्टिंग साल 2007 में हुई थी। अमेरिकी मोबा और रूस के फोबा में H6 और TNT कंपाउंड का इस्तेमाल हुआ है। ताकतवर विस्फोटकों में से एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है, और वो है RDX। RDX यानी रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, जिसकी ताकत बेहद खतरनाक है। RDX सफेद और सॉलिड होता है। शुरू में ये दानेदार की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसका रंग बदल दिया गया, और मुंबई में 93 धमाकों में जो RDX की खेप पकड़ी गई थी, वो काली चिपचिपे साबुन की तरह थी। RDX की न कोई महक होती है और न ही कोई टेस्ट। ये TNT से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। RDX को दूसरे विस्फोटकों, केमिकल या प्लास्टिक के साथ और भी विनाशकारी बनाया जा सकता है। दूसरे किसी भी बारूद से अलग RDX के धमाके का ताप जद में आई हर चीज को पिघला देता है, फिर चाहे वो फौलाद हो या फिर कंक्रीट। RDX is 1.5 times. जब हम सेबेक्स 2 की बात करते हैं, we are saying 2.01 times more. ये डेढ़ गुना ज्यादा TNT के मुकाबले में. And that is why हम लोगों ने बनाए हैं बार माइंस विद बोथ RDX एंड TNT को इस्तेमाल करके इन द रेशियो ऑफ 60:40, हम उसको विशाल का नाम दिया हुआ है. And we make bar mines out of it. So you can safely say that RDX is 1.5 times more destructive than TNT. RDX बेहद स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है, जो कई सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। RDX को लंबे समय तक कहीं भी रखा जा सकता है, ये बेहद सुरक्षित है। अगर RDX में गलती से आग भी लग जाए तो धमाका नहीं होता। RDX से धमाका करने के लिए हमेशा डेटोनेटर की जरूरत होती है। आतंकवादी डेटोनेटर के तौर पर जिलेटिन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। RDX का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, और अब ज्यादातर देशों की सेना इसका इस्तेमाल करती है। RDX को हेनिंग ने 1899 में युद्ध सफेद क्रिस्टलाइज पाउडर के रूप में आविष्कार किया था। इस विस्फोट को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में इसे हेक्सोजेन कहते हैं, और इटली में इसे T4 कहा जाता है। ताकतवर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर बम तैयार किए जाते हैं। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के सबसे कारगर हथियारों के तौर पर देखे जाते हैं। स्पाइस से लेकर वैक्यूम और हाइड्रोजन बम के अलावा दुनिया में बमों के कई वेरियंट्स मौजूद हैं। रण क्षेत्र में बमों के इतिहास से लेकर मौजूदा दौर तक के सफर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस बम की, जिसने पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर हथियार के तौर पर देखा जाता है। आतंक के खिलाफ भारत भी इसका इस्तेमाल कर चुका है।
26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे होंगे, जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 900 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करने के लिए मिराज फाइटर जेट ने स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया। स्पाइस बम यानी स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बम, जो कि मेड इन इंडिया है। 500 से 900 किलोग्राम वजन वाले स्पाइस बम किसी भी बंकर या फिर घर को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। Spice 2000 is you can say an Israeli bomb, highly penetrable. और काबिलियत इसकी ये है कि आप जब बच सकते हैं, इसका जो accuracy है, it is 3 meters. मतलब आप जहाँ पे bomb गिराना चाहते हैं, within 3 meters, it'll definitely be able to penetrate over there. It is a precision guided ammunition. जब when we say precision guided ammunition, मतलब जहाँ पे आप उसको डालना चाहते हैं, वो गिरेगा. And it is, you can say, simply say it is GPS guided, or you can say it can operate in adverse weather conditions or anything of that kind. एक बार इमारत के अंदर जाने के बाद जब स्पाइस बम फटता है तो फिर अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से स्पाइस 2000 बम करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक कर उसे तबाह कर सकता है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। स्पाइस 2000 दरअसल ये गाइडेंस किट है जो कि स्टैंडर्ड वॉरहेड या फिर बम के साथ जुड़ी होती है और ये लंबी दूरी तक भी निशाने पर सटीक वार कर सकती है। इतना ही नहीं, लेजर गाइडेड होने की वजह से अगर टारगेट दूर भी हो तो भी ये बम में विस्फोट कर सकती है। स्पाइस बम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्टैंडर्ड वॉरहेड के अगले हिस्से से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा बम के पिछले हिस्से से जोड़ा जाता है। स्पाइस स्मार्ट बम के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि दूसरे भाग में एक डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है। मिशन से पहले टारगेट को लेकर बाकायदा एक रोड मैप बनाया जाता है, मसलन टारगेट कितनी दूरी पर है, किस वक्त बम गिराया जाएगा और उसकी दिशा कैसी होगी, और इन सबको जीपीएस, वहां की तमाम जानकारियां और तस्वीरों के साथ जोड़ा जाता है ताकि टारगेट पर सटीक नशा न लगाया जा सके। फाइटर प्लेन से बम को गिराने के बाद अगर स्पाइस 2000 बम गलत दिशा में भी चला जाए तो भी फिर से उसका रास्ता बदला जा सकता है। स्पाइस बम के जरिए सबसे सुरक्षित ठिकाने को आसानी से निस्तनाबूद किया जा सकता है। इसे स्मार्ट बम या गाइडेड बम भी कहा जाता है। यह हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है जो कि बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे तबाह करना है ताकि आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। एक स्मार्ट बम में आमतौर पर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला वेपन, ये एक तरह का विस्फोटक होता है। दूसरा टारगेटिंग सिस्टम, ये नेविगेशन में मदद करता है। और तीसरा एंटी जैमिंग डिवाइस, ये दुश्मन को गाइडेंस सिग्नल में दखल देने से रोकता है। अब स्मार्ट बम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। स्मार्ट बम कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम से लैस होता है। कुछ में छोटे रॉकेट मोटर्स भी फिट किए जाते हैं। ये रॉकेट मोटर न सिर्फ बम की रेंज को बढ़ाते हैं बल्कि उनके फ्लाइट कंट्रोल में भी मदद करते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण ये बम अपना रास्ता नहीं भटकते। जैसे नाम है स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि जहां पे आप उसको डालना चाहे। नॉर्मल बॉम्ब्स जो होते हैं वो ग्रेविटी यानी कि जब आप हवाई जहाज से उनको गिराएंगे तो दे विल फॉल, और फॉल कहीं पर भी गिर सकते हैं वो, नॉट नेसेसरी ऑन द टारगेट। बट व्हेन यू हैव स्मार्ट बॉम्ब मीन इट इज गाइडेड ऑन टू द टारगेट, दैट मीन द बॉम्ब विल ग्लाइड ऑन टू द टारगेट, वेदर इट कुड बी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस हो, उसका इंफ्रारेड गाइडेंस हो, उसका लेजर गाइडेंस हो, जो भी है, यानी कि टारगेट के ऊपर उस बॉम्ब को ले जाने की काबिलियत
वो बोलते हैं स्मार्ट बॉम्ब। नहीं तो अमूमन जो बॉम्ब होते हैं वो ग्रेविटेशनल, मतलब आप ऊपर से गिराएंगे और वो गिरेंगे, अब टारगेट पे गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे, पता नहीं चलता है, बट स्मार्ट बॉम्ब विल टेक द बॉम्ब टू द टारगेट। सात किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरह से हथियारों में फिट किया जा सकता है। हथियारों से जुड़ने के बाद इसे जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन सिस्टम कहा जाता है। इन बमों को अमेरिका के हाईटेक बॉम्बर जैसे कि B-52 और B-1B लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। जुलाई 1944 में अमेरिकी वायुसेना ने VB-1 एजोन बमों का इस्तेमाल कर पश्चिमी यूरोप और बर्मा में, जो आज म्यांमार कहा जाता है, कई मिलिट्री ऑपरेशन चलाए थे। मैदान में हो या फिर किसी घनी बस्ती में, गाइडेड बमों की खासियत यह है कि कभी अपना निशाना नहीं चूकते, और यही एक बड़ी वजह है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही ऐसे ऐसे गाइडेड बम तैयार किए जा रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने निशाने से कहीं भी चूक ना पाए और इनका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सके। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और गाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सके। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दो तरह के बम को डिजाइन किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा बिना विंग वाला गौथम, दोनों ही प्रेसिशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौथम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। गौरव और गौथम दोनों ही बमों में CL-20 यानी कि फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगे होते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट हो जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौथम की 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की क्षमता है। गौरव और गौथम बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट कर पाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। दरअसल साल 2021 में बालासोर में सुखोई के जरिए इसका सफल परीक्षण किया गया और माना यही जा रहा है कि इसे सुखोई 30 MKI में अटैच किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी तरीके से विकसित 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को धारदार बनाने में जुटी है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। हर परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को DRDO ने विकसित किया है। इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाया गया है। युद्ध जैसे हालात में 100 दुश्मन के रनवे उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। सौ परियोजना को साल 2013 में भारत सरकार की मंजूरी मिली, जिसके बाद साल 2016 में इसका सफल परीक्षण किया गया और फिर साल 2020 में इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना की खरीद के लिए भारत सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया। भारत के पास एक और स्वदेशी बम है जिसकी ताकत से दुश्मन थर थर कांपते हैं।
नाम है सुदर्शन। डीआरडीओ ने सुदर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में की थी। भारत ने पहली बार अक्टूबर 2010 में अपने पहले लेजर गाइडेड बम सुदर्शन को तैयार किया। ये बम डीआरडीओ की लैब में तैयार किया गया। सुदर्शन बम देश का पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड बम है, जिसे वायुसेना के साथ जोड़ा गया था और उसी के लिए बनाया गया था, और सबसे पहले इसको मिग-27 के साथ जोड़ा गया, और इसकी सफलता के बाद इसे मिराज और सुखोई जैसे विमानों में भी अटैच किया गया। सुदर्शन बम की बात करें तो इसकी रेंज करीब 9 किलोमीटर है। अब एडी इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रही है। सुदर्शन इज अगेन अ लेजर गाइडेड बॉम्ब, अगेन अ स्मार्ट बॉम्ब। इट इंक्रीजेस सेम जैसे मैंने कहा एक्यूरेसी, इट मिनिमाइजेस कोलैटरल डैमेज। अब जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर जैसे गाजा पट्टी में अभी लड़ाई हो रही है, तो वो जो वहां पे बॉम्ब होंगे वो स्मार्ट बॉम्ब, मकसद कि जहां पे आपको गिराना है वही गिरेगा, नुकसान नहीं होगा, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, कोई सिविलियन टारगेट बर्बाद नहीं होंगे, आपने जो भी मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है उधर ही करेंगे। तो बेसिकली सुदर्शन बॉम्ब जो अपना है, दिस हैज अबाउट 10 meters ऑफ एक्यूरेसी, जहां पे आप चाहेंगे उसके 10 meters के इलाके में ये गिरेगा। सो इट इज वन ऑफ दोज बॉम्ब्स मेड बाय द डीआरडीओ लैब। It's an Indian, it's totally indigenized, made in India, used by the Air Force. लेजर गाइडेड बम बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसको लेकर पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने तैयार किया था। इसके बाद इसको रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था। भारत भी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल कर चुका है। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने बंकर में छुपे दुश्मनों पर बम बरसाकर उनकी कमर तोड़ दी थी। June 24, 1999 को टाइगर हिल्स पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों से हमला किया था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत टाइगर हिल पर जोरदार हवाई हमला किया गया। एयरफोर्स के इतिहास में यह पहला मौका था जब युद्ध के दौरान लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया था। लेजर गाइडेड बमों को इसराइल से खरीदा गया, जिसे विमानों में फिट करने के लिए इसराइल के इंजीनियरों की एक टीम भारत आई थी। टाइगर हिल पर हमले में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम गिराए गए। तब वायुसेना की ओर से किए गए हवाई हमले की निगरानी तत्कालीन वायुसेना प्रमुख अनिल यशवंत टिपनीस ने खुद एक विमान में बैठकर की। लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल बहुत सीमित क्षेत्र को तबाह करने के लिए किया जाता है। इस तरह के हमलों में फाइटर जेट अपने निर्धारित टारगेट को पहचान करता है, इसके बाद उस लक्ष्य पर लेजर बीम छोड़ता है, फिर गाइडेड बम इस बीम का पीछा करते हुए लक्ष्य को भेदता है। इस तरह हमलों में निशाना चूकने की संभावना बहुत कम होती है। कोई भी बॉम्ब है, जब आप उसको फायर करते हैं तो फ्रॉम अ सोर्स अ लेजर इज सेंट टू द टारगेट। ये जो बॉम्ब है इसमें लेजर डिटेक्टर है, और लेजर डिटेक्टर होने से आपने जब बॉम्ब उसको रिलीज कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो लेजर वो जहां से वो बीम रिफ्लेक्ट कर रही है उस बीम को वो पकड़ता है बाय द लेजर डिटेक्टर, और फिर उसके बाद इट बैंग ऑन एंड जस्ट गो एंड हिट द टारगेट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेजर गाइडेड बॉम्ब। भारतीय वायुसेना के पास 500 किलो वाला जीपी बम भी है।
जो एक प्रहार में पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को तबाह करने की ताकत रखता है, दुश्मन के बंकर को निस्तानाबूद कर सकता है। स्वदेशी जीपी बम को जगुआर और सुखोई SU-30 MKI में लगाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जीपी बम के 100 मीटर के दायरे में आने वाला दुश्मन या फिर हथियार को आसानी से तबाह किया जा सकता है। 500 किलोग्राम वाले एक जीपी बम में 15 किलोमीटर के 21,000 स्टील के छर्रे हैं, जिसके अटैक से 12 mm स्टील की प्लेट को भेदा जा सकता है। दरअसल युद्ध में बमों का इस्तेमाल होता है। हमास के अटैक के बाद इजराइल की वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर जमकर बमों की बारिश की, चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां हमास के आतंकी छिपे थे। इस हमले में एक बम सुर्खियों में रहा, नाम है फॉस्फोरस बम। ऐसा बम जो कि हवा से सारी ऑक्सीजन सोख कर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इसराइल ने हमास से बदले की कार्रवाई में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। सफेद फॉस्फोरस और रबर के साथ तैयार होने वाले एक केमिकल बम है। दावा है कि ये जहां गिरता है उस जगह की ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। कहा यह भी जाता है कि फॉस्फोरस बम गिरने से लोग दम घुटने की वजह से मर जाते हैं, पानी डालने पर भी आसानी से नहीं बुझता। फॉस्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। सफेद फॉस्फोरस हथियारों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आबादी वाले इलाके में इनका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जाता है। ১৯১৬ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी कुछ लोगों को सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन साल 2000 में भी अमेरिका ने इराक के फालूजा शहर में हमला करने में सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था और इसके ठीक एक साल बाद अमेरिकी प्रवक्ता ने इस बात को कबूल भी किया था। फॉस्फोरस बम के जैसा ही एक और बम है जिसे बेहद खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है, नाम है क्लस्टर बम। ये परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या फिर किसी चीज का समूह। क्लस्टर बम जब फटते हैं तो इनमें बड़ी तादाद में छोटे छोटे बम निकलते हैं जिससे भारी नुकसान होता है। क्लस्टर बम में 10 से लेकर कई 100 तक छोटे छोटे बम होते हैं। क्लस्टर बम को रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल या हवाई जहाज से फायर किया जा सकता है। एक खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम का खोल फट जाता है, अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट एरिया में बिखर जाते हैं। उनमें टाइमर होता है ताकि वो टारगेट के करीब पहुंचकर फटे। ताकतवर क्लस्टर बमों से टैंकों तक को नुकसान हो सकता है। दुश्मन के हवाई पट्टी को तबाह करने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइनों को तबाह करने तक में क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर बितर करने और रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन,
नॉर्मल कन्वेंशन विच हैव बीन मेड, 2010 के भी कन्वेंशन हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब यानी कि एक बॉम्ब के अंदर बहुत सारे छोटे 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 सब म्यूनिशन होते हैं, और ये जो बॉम्बलेट्स जिसे बोलते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में जाकर के गिरते हैं, कुड बी एज वाइड एज अबाउट से 4 to 5 फुटबॉल फील्ड, और इनमें तकरीबन 40% ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोड नहीं होते हैं, यानी दे बिकम लाइक एंटी पर्सनल माइन, तो उस तरह के छोटे छोटे हो जाते हैं। अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने अक्यूज किया है कि यूक्रेन ने इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उनको पता चला है, दिस इज जनरली बैंड, दो रशिया अमेरिका इन्होंने साइन नहीं किया है ये कन्वेंशन, बट इट इज जनरली जो कोलैटरल डैमेज होता है, जैसे जब लड़ाई खत्म हो गई कुछ हो गए तो ये सब जगह फैले होंगे लाइक माइन, और जैसे रशिया कह रहा है कि उसका रंग हरे हरे थे, अब हरा रंग है तो घास के अंदर पता भी नहीं चलेगा, एंड एज आई सेड 40% ऑफ इट डज नॉट एक्सप्लोड, वो जमीन के ऊपर किसी का पांव गिरेगा तो वो फट जाएगा, सो यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोग लड़ाई के बाद भी, खासकर बच्चे जो खेलते हैं इधर उधर, या कोई समझ गएंगे खिलौना है उसको उठाएंगे वो फट जाएगा, सो दैट इज वाई दिस क्लस्टर बॉम्ब्स का जो है उपयोग को हम लोगों ने मना कर रखा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम से जो छोटे बम निकलते हैं उनमें करीब 10 से 40 फीसदी तक फट नहीं पाते। आने वाले सालों तक में वो फटते रहते हैं जिससे आम लोगों की जान तक चली जाती है। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि इनसे मरने वालों में 90% से ज्यादा आम लोग रहे हैं। इनमें भी करीब 40% बच्चे होते हैं। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था उनमें से कईयों में 50 साल बाद भी धमाका होता रहा। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मनी और रूस ने किया था, और ये दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का, जब दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आज दुनिया भर में 200 से ज्यादा क्लस्टर बम हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर पाबंदी है, और 100 से ज्यादा देशों ने इनकी पाबंदी को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। क्लस्टर बम के बाद अब बात एक ऐसे बम की जिसके नाम से दुनिया काम जाती है, और ये बम है परमाणु बम। अगस्त 1945 को दुनिया ने परमाणु बमों की विनाशकारी ताकत देखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम से हमला किया। यह हमला अमेरिकी B-29 विमान से किया गया। 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर यह विस्फोट हुआ। लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। बम को नीचे आने में महज 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। यह हमला इतना भीषण था कि इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। अपने लंबे और पतले आकार की वजह से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। लिटिल बॉय में 64 किलो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विस्फोटक से 15,000 टन TNT का धमाका हुआ था। जब ये फटा तो हिरोशिमा का तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। परमाणु धमाके के बाद चंद सेकंड में शहर में कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिस जगह पर विस्फोट हुआ था वहां से कई किलोमीटर दूर तक इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ एक सेकंड में कई इमारतें धराशायी हो गई और एक बड़ा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया।
परमाणु बम के विस्फोट ने सुबह के सूरज को करीब करीब धुंधला करने के लिए पर्याप्त धूल और मलबा उड़ा दिया और आसमान में दिखाई दिया मशरूम के आकार जैसा बादल। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु हमले से जापान उबर भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और परमाणु बम गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम ज्यादा बड़ा था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम फैट मैन था। इस परमाणु बम का असर ऐसा था कि वहां के लोगों को सोचने तक का समय नहीं मिला कि क्या हुआ। सभी लोग मौत की चपेट में आ गए। नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरा होने की वजह से करीब 6.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें कम से कम 75,000 लोगों की मौत हो गई। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक तौर पर समाप्ति हो गई। दुनिया के इतिहास में और अगर हम युद्धों के इतिहास की बात करें तो उसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला सबसे घातक था और इसको काले दिन के तौर पर मनाया जाता है और इसीलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वो देश में परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। परमाणु तकनीक को वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।